बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जाने के साथ बाबा को सभी भाई बहनों की स्नेह भरी याद प्यार दिया और बाबा को कहा कि आज विशेष सर्व ब्राह्मण परिवार की ओर से आदि रत्नों का, कई अन्य भाई बहनों की भी याद लेकर के आई हूँ। इतना सुनते बाबा मुस्कराने लगे। बाबा ने कहा कि बच्ची, समय के प्रति जैसा समय होता है दुनिया का, उस प्रकार मनुष्य आत्माएं भी, ब्राह्मण आत्माएं भी अपनों को याद करते हैं और उसी रीति से दुनिया के लोग भी उनके प्रति कुछ ना कुछ अपनी भावनाएं रखते हैं, भावना प्रदान करते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए यह रिवाज भी दुनिया के हिसाब से चला आ रहा है और इसलिए बाबा भी अपने बच्चों को वतन में इमर्ज कर लेते हैं। बाबा ने कहा कि आज जब निमित्त आदि रत्नों के प्रति याद लेकर भोग लेकर के पहुंची है, तो बाबा ने एक दृश्य इमर्ज किया, दृश्य दिखाया कि कोई कोई मनुष्य आत्माएं अपनी भावना के प्रति जानवरों को भी, पक्षियों को भी कुछ न कुछ दाना डालते हैं। वो दान करने की भावना होती है कि वह भी कुछ खाएं और अपनी भावना उनके प्रति शुभ रखते हैं, कोई भूखा ना रह जाए। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। तो बाबा ने कहा कि यह भी श्राद्ध का जो समय चलता है, दिन चलते हैं। तो बाबा ने कहा कि स्वाभाविक है कि समय के अनुसार जिन आत्माओं ने, जिनके साथ रहकर चाहे अच्छा किया हो चाहे बुरा किया हो, फिर भी समय के अनुसार उनके प्रति ये जो दिन होते हैं, कुछ न कुछ दान दक्षिणा दुनिया में भी करते हैं। तो बाबा ने कहा कि यह तो अपना ब्राह्मण परिवार है, दैवी परिवार है, ईश्वरी परिवार है। तो बाबा ने कहा कि संगम पर तो बाबा ने विशेष रूप से अपने परिवार को, बाबा बच्चों को वतन में इमर्ज कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा जो ब्राह्मण बच्चे बाबा के घर में आते हैं, अपने संस्कारों को परिवर्तन करते हैं, कुछ न कुछ बाबा के घर में कणा दाना भी सफल करते हैं, स्वा करते हैं, सहयोगी बनते हैं। और जब वो जाते हैं तो कई आत्माओं का कोई ना कोई संकल्प होता है, तो बाबा तक वो संकल्प जरूर पहुंचता है। तो संकल्प के आधार से बाबा ने कहा हम ब्राह्मण बच्चे भी अपने पुराने आदि रत्नों को, पुराने बच्चों को, ब्राह्मण परिवार में कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो बहुत
हर प्रकार से तन मन धन से स्नेही सहयोगी बनकर चलती हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा भी अपने बच्चों को उसी प्रकार से समय के अनुसार बाबा इमर्ज कर लेते हैं। तो बाबा जब ऐसे सुना रहे थे तो बाबा के सामने सभी दादियां आज इमर्ज थी। आदि रतन जितने थे चाहे दादाएं थे सभी इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि दुनिया में भी जब विशेष दिन होता तो अपनों को याद किया जाता है। तो बाबा ने कहा यह तो ब्राह्मण परिवार है, इतना सुंदर बाबा ने परिवार और साथ दिया है, तो बाबा भी अपने बच्चों को इमर्ज कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि कोई याद करने का ये मतलब नहीं कि हम उन्होंने कुछ किया नहीं है, बल्कि ये तो दिल की याद है, आत्मिक प्यार है। इसलिए अपनों को बाबा अपने बच्चों को विशेष रूप से इमर्ज कर लेते हैं। तो आज बाबा के सामने सभी दादियों के सामने एडवांस पार्टी की जितनी दादियां थी और बाबा के कई अनन्य बच्चे भी थे, बाबा ने कहा कि समय के अनुसार परिवार वालों को, घर वालों को, चाहे लौकिक परिवार हो चाहे अलौकिक परिवार हो, सभी को वो यादें इमर्ज हो जाती हैं। तो बाप भी अपने बच्चों को उसी रूप से, उसी विधि से, उसी रीति से इमर्ज कर लेते हैं। तो बाबा के सामने तो आज बहुत सजी हुई थालियां भोग की रखी थी, कई सेंटर्स जैसे कि इमर्ज हो रहे थे। तो बाबा ने बड़े प्यार से, बाबा ने कहा मधुबन का घर है, बाप और बच्चों का मिलन होता है, तो बाबा अपने बच्चों को क्यों नहीं इमर्ज करेंगे। तो ऐसे कहते हुए बाबा ने जैसे कि बहुत प्यार से सभी आत्माओं को इमर्ज करते हुए भोग स्वीकार कराया। और जैसे कि सभी दादियां हमारी सभी को बड़े प्यार से याद प्यार दे रही थी, बाबा ने भी सभी को बड़ी स्नेह भरी याद प्यार दी और सभी के प्रति याद प्यार लेते हुए फिर नीचे पहुंच गए। ओम शांति। ओम शांति। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए आई हुई बहनों को दिनचर्या आज 10 बजे ट्रेनिंग सेंटर में ही सुनाई जाएगी, इसलिए अभी आप नाश्ते पर जा सकते हैं। ओम शांति।